सो वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइज, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। और आज जो है वर्किंग किसकी हो रही है भाई, अपनी महिंद्रा थार की वापसी जो है हम लोगों ने वर्किंग स्टार्ट करा दी है। अब आप बोलोगे भैया थार की वीडियो तो आप भरत भैया के साथ निकालते हो, ये प्रिंस भैया कहाँ से आ गए? तो भाई प्रिंस भैया इसलिए आ गए क्योंकि जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो भरत यूज़ कर रहा होता है, जिसमें भरत को ट्रस्ट होता है, वो प्रिंस भैया के होते हैं। तो आप लोगों ने प्रिंस की लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने भरत की गाड़ी में प्रोजेक्टर इंस्टॉल किया था, विथ HID रिस्पॉन्स चेक कराया था और LED भी रिस्पॉन्स चेक कराया था। भैया ने बोला कि अब आप अपनी गाड़ी में लगाओ, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो ये जो है ना, ये भैया ने पर्सनली बोल बोल के कि भैया इसको स्टॉक करवाना है क्योंकि मेरी LED आने वाली है एक नई। तो 150 वॉट की जो LED है, जो कि पहले आप लोगों को H8 और कुछ गिनी चिनी में अवेलेबल थी, अब वो हर चीज़ में अवेलेबल है, यानी कि H4 के अंदर भी अवेलेबल है। H4, H8, आपका H1, H7, 9,000, 5, 6, इवन H16 तक में हमने वर्किंग कर दिया। अब आप लोग जो नहीं किया आ रही है अपनी H16, H19, वो तक हमारे पास अवेलेबल। अब मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ, मैं इसमें एक LED ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ जिसका रिस्पांस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। प्रिंस भैया ने केवल ये बोला कि ये मार्केट में टॉप नॉच है, अब हम इससे ऊपर कुछ अपग्रेड लेके आ रहे हैं, तो आप वो चीज़ लगाना। तो मैंने इसको लगा के बहुत परेशान था मैं, मैंने बोला भाई आज कर ही देते हैं, अभी हम लोग अपनी स्पेशल एरिया में शूटिंग कर रहे हैं। जितने भी लोग दिल्ली में रहते हैं वो लोग ज़रूर बताना हम लोगों को कि हम कौन से एरिया में होंगे। यहाँ पर करने का मेन रीज़न ये है मेरा पर्सनली कि मेरा मन था भाई, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी अगर इसमें से भी अगर आप देखोगे, इसमें से जो प्रोजेक्टर निकल रहे हैं वो हमारे जो हाइपरसोनिक के ब्लू लेंस वाले हैं, हाँ जी वही थे। अमेजिंग रिस्पांस, कहीं से कोई टूट फूट कुछ नहीं, प्लग एंड प्ले था। गाड़ी में इतनी स्पीड में अच्छी खासी चलाता हूँ तो उसके हिसाब से भी एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड। अब जो नया प्रोडक्ट लेके आया वो आपको चेक कराते हैं, न्यू प्रोजेक्टर D2H प्रोजेक्टर्स आ चुके हैं। वो क्या होता है, कैसे होता है, आप लोगों को आज की वीडियो में दिखाएंगे। सो गाइज, यहाँ पर हम लोगों ने आप लोगों के लिए पूरा वॉल तैयार कर दिया जिसमें आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़ जो LED लाइट आ चुकी है 150 वॉट में, जिनको इंस्टेंट लाइट चाहिए उनके लिए ये चीज़ अवेलेबल है। प्रिंस भैया इसकी अनबॉक्सिंग करो, तब तक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो भी अब आप लोग HID लगाएंगे, यानी कि जो आपके D2H प्रोजेक्टर्स होते हैं, बेसिकली D2H बल्ब्स के साथ आपको मिलता है, जो कि आप लोगों को प्रीमियम कार्स के अंदर देखने को मिलता है। 55 वॉल्ट का आप लोगों को जो है इसके साथ में ब्लास्टर मिलेगा, या आप लोगों के फॉग लैंप्स वाले जो है प्रोजेक्टर है, और जो इनका लुक है, जो इनकी फील है, वो आप लोगों को आज की वीडियो में देखने को मिलेगा, जिसमें मैं आप लोगों को इसका परफेक्टली जो थ्रो होगा वो आप लोगों को मैं आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ। LED जिनको इंस्टेंट चाहिए, HID उनके लिए जिनको थोड़ा सा वेट कर सकते हैं और वो जो है फिर उसको चेक करेंगे। भैया इसी को नहीं खोल पाए आप, इतनी खतरनाक पैकेजिंग क्यों कर रहे हैं? दिखाने के लिए वेट कर रहा था ना पैकेजिंग। देखो भाई, सो भैया का फेवरेट कलर कौन सा है? ग्रीन, हरा कलर। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था ना प्रिंस भैया की हर चीज हरे रंग की होती है, तो अब आप गेस कर सकते हो कि प्रिंस भैया की क्या क्या चीजें हरे रंग की होती है। ठीक है, टू फोकस ऑन द टॉप ऑफ द टॉप पार्ट ऑफ द LED। ठीक है, इफ यू सी द टॉप पार्ट इज डबल प्रिंटेड कॉपर पीछे भी। ठीक है भाई, डुअल प्रिंटिंग, वेरी नाइस। इसमें आपको ये बाकी LEDs में आपको नहीं देखने को मिलेंगे ये चीजें। करेक्ट, हां, बिकॉज़ ऑफ दिस द पावर ऑफ द LED इज रियली वेरी गुड एंड द स्टेबिलिटी इज वेरी वेरी नाइस बिकॉज़ ऑफ द हीट डिसिपेशन। वेरी नाइस। सो आप लोगों के लिए ये इन स्टॉक अवेलेबल है, आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी परचेस करना चाहे, डीलर रीलर सबसे आप लोग परचेस कर सकते हो। और ये है आप लोगों की रिले, अगर आप HID लगा रहे हो रिले जरूर लगाना, चाहे कितना भी खुराफाती बंदा हो बोले भैया इसकी जरूरत नहीं है, इसी से पावर बढ़ेगी, नहीं तो HID आपको ऐसी लगेगी जल रही है नहीं जल रही है, नहीं पता चलेगा। अच्छी परफॉर्मेंस आती है, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू यूज अ रिले, रिले से एक पावर बूस्ट मिलता है। नंबर टू, एक सर्किट हमारा अलग हो जाता है, एक ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है हमें गाड़ी में एडिशनल। अब की तो चलो टॉप मॉडल है, जिन लोगों की बेस मॉडल है उनके लिए इसका बेस टॉप कुछ नहीं है ब्रो, थार में कुछ नहीं है, थार में सब कुछ टॉप है, थार में कोई बेस नहीं आता ब्रो। Bro, the car that is coming without the stereo doesn't have a fog lamp switch. अब वो अलग चीज है, वो चीज अलग है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ थार ओरिएंटेशन अगर आप देखते हो ये इसके लिए, अगर बलिनो लिनो गाड़ी के बारे में बात करते हो तब अलग चीज है। ठीक है, यहाँ ये समझ जाना आप लोग, ये जरूरी है। प्रिंस भैया कई की बार ऐसे बोल जाते हैं फिर लोग भाई बाद में जान खाएंगे आपके आगे, नहीं डिलीट नहीं कर रहे भैया, इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो रिले का जो बॉक्स होता है ना वो ये होता है भाई। ठीक है, रिले का भी पूरा हाइपरसोनिक का इसमें आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, फॉग लैम्प, वायरिंग हार्नेस। तो प्रिंस भैया एक बार कर दो अनबॉक्सिंग, और ये ऑफिशियली भारत कार में अवेलेबल है, आप लोग इस चीज को जो है परचेज कर सकते हो। मैं थार ओरिएंटेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थार के लिए हम जो आप लोगों को वीडियोस दिखाते हैं वो बहुत फाइन स्टोर से दिखाते हैं, जो कि हमारे भरत भैया का है। ठीक है, ये इसकी बैक की पूरी ब्रांडिंग है। और मैं देखो बार बार एक चीज को आपको बोल के नहीं बताऊंगा, आप लोग इसके अंदर अगर चेक करते हो, बॉक्स के अंदर मिलते हैं दो बैलेस्ट, ठीक है, दो D2H के बल्ब, ठीक है, और फॉग लैंप्स प्रोजेक्टर का एक पेयर। ठीक है, ओके। तो अगर आपके पास लोहे का बम्पर है या नॉर्मल बम्पर है, कोई से बम्पर में इंस्टॉल हो जाएगा, आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। और हमारा आदिल भैया कर रहे हैं, बाकी आप लोगों के लिए दिलीप भाई भी है, बहुत सारे लोग हैं जो हमारी वर्किंग कर देते हैं। अब सबसे पहले प्रोजेक्टर जो है आपने हाथों में लेके दिखाई है, अब मार्केट में जो अभी तक सो कॉल्ड फॉग लैंप प्रोजेक्टर के नाम से चल रहा था उसको ओवरकम करने के लिए प्रिंस भैया लेके आए हैं आप लोगों के लिए फाइनेस्ट क्वालिटी वाले प्रोजेक्टर
फॉग लैम्प्स, दीज आर कमिंग इन हाइपरसोनिक ब्रांडिंग। इसमें दो तरीके का आपको ऑप्शन मिलता है, HID आप डायरेक्ट फिट कर सकते हैं, अगर आप लोगों को LED लगाना है तो इसमें एक छोटे से मुंह दिए जाते हैं आप लोगों को, जिस मुंह की मदद से आप लोग इसमें लगा के अपनी LED जो है आसानी से लगा सकते हैं। दिस इज अगेन अ ब्लू लेंस, ये हमारी अगर ये इसमें D2H की फिटिंग्स है, ठीक है, D2H फिटिंग एज वेल एज वी आर प्रोवाइडिंग अ H8 फिटमेंट कंसोल। अच्छा, एक टाइम होता था जब लोग ऐसे बोलते थे यार D2H बल्ब यार ये तो ऑडी में ही आ सकता है, यार ये तो स्कॉडा में ही लग सकता है, तो मर्सिडीज में ही लग सकता है, लेकिन आज के टाइम पे प्रिंस भैया ने आपकी ये भी चीज जो है अवेलेबल करा दी है, D2H बल्ब, ठीक है, ये बल्ब है। अब प्रिंस भैया एक चीज बताओ, ये बल्ब सबसे पावरफुल है, इससे पावरफुल भी आ सकते हैं? देखो बल्ब इससे पावरफुल भी आ सकते हैं, बट दिस बल्ब इज फ्रॉम दिस इज UV क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है, जो सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है, दैट इज CN लाइट। ओके, इट्स अ वेरी ट्रस्टेड ब्रांड, सो वी आर प्रोक्योरिंग द बल्ब फ्रॉम CN लाइट। और मैं वेरी गॉड से फॉग लैम्प में बहुत ज्यादा पावर लगाना भी सही है कि नहीं है? नहीं भैया, आपका जब भी ब्लू लेंस होता है ना, वेन यू एवर यू आर गोइंग फॉर अ ब्लू लेंस, यू शुड नेवर गो फॉर बियॉन्ड, यू शुड नॉट गो देन 45 वॉट इफ यू आर यूजिंग अ ब्लू लेंस। करेक्ट भाई, आप लोगों को ये चीज देखने को मिलेगी, ये आप लोगों का जो है ब्लास्टर है, और जितने भी लोग हमारे कनेक्टिंग है उनको हाइपरसोनिक की ब्रांडिंग भैया ने हर जगह आप लोगों के लिए करा रखी है। प्रिंस भैया इसका क्या यूज रहने वाला, ऑडियंस को बताइए। ये बेसिकली आपका यूनिवर्सल क्लैंप्स है, मोस्ट प्रोबेबली आपकी कार्स जो है 90% कार्स जैसे सुजुकी हो गई, ठीक है, ये सब हो गई, इसमें आप इसको लगा सकते हो, और विदाउट आपकी विदाउट हमें कोई भी इसमें जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है फिटिंग के साथ। सो नेक्स्ट चीज अगर हम लोग बात करते हैं ये कैसे आप लोगों का फिट होगा, अगर आप लोग मेरे बम्पर के बारे में बात करते हैं तो बम्पर में ऑलरेडी एक क्लैंप लगा हुआ है, लेकिन इसकी मदद हमें लेनी पड़ेगी, फिर भी लेनी पड़ेगी, इसके ऊपर ही टाइट हो गई। एक बार जरा दिखाना लगा के, बस थोड़ा सा एक लुक दिखा दो यहाँ पर, अब आप लोग जो है इंस्टॉलेशन भी देखोगे तो आप लोगों को आइडिया मिलेगा। बाकी आप लोग जो है इसका मेन सॉल्यूशन जो है भारत कार में पा सकते हो, ठीक है, प्रिंस भैया भी कर देंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे थार के जो है हम उसको किंग कहते हैं, तो भाई थार किंग वाले हमारे भैया जो है इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे। करते आज का इस प्रोसेस को स्टार्ट और फिर आपसे और बातचीत करेंगे। ओके गाइस, तो आप लोगों के सामने जो है हम लोगों का ये सेटअप जो है पूरा तैयार हो चुका है। इसमें आप लोगों का जो प्रोजेक्टर है वो यहाँ पर रुका हुआ है, आप लोगों ने देख लिया, ये प्लास्टिक का हमारा क्लैंप है, यहाँ पर हमने HID लगा दी है, पीछे से पूरी एयर टाइट एयर पैक्ड है, अनलेस एंड अंटिल लेंस टूटता है उसके बाद ही जाएगा, नहीं तो पीछे से यहाँ से कहीं से भी कुछ भी पानी जाने का कोई भी चांस यहाँ पर नहीं है। ब्लू लेंस का आपको मजा मिलेगा, इसका प्लग एंड प्ले चलेगा सब चीज़ें, हम जो इसका ब्लास्टर है उसको भी मानेंगे। सबसे पहले मैं आपको HID का ही रिस्पॉन्स चेक करा रहा हूँ, और कुछ दिनों बाद या कुछ अलग व्लॉग्स में आप लोगों को LED भी दिखा देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इट्स वेरी सॉर्टेड। सो गाइस, नेक्स्ट चीज़ जो आप लोग देख रहे हो इसमें बेसिकली क्या है, हम लोगों ने एक रिले लगाया है जिसकी वायरिंग जो है आप लोगों का पावर दिया जाएगा आपकी बैटरी से, और दोनों तरफ आपकी वायर जाएगी, जिससे आप लोगों की जो HID है वो सेफ रहे, उसमें पावर अच्छी आए और साथ ही साथ में आउटपुट आए। सो गाइज, नेक्स्ट चीज़ जो है, अगर आप लोगों की स्टॉक हेडलाइट है तो उसमें ये रबर आता है, अब इसमें आप लोग कैसे LED लगा सकते हो, क्योंकि ये रबर जो होते हैं ये अवेलेबल कराना बड़ा मुश्किल होता है, और हमने अभी LED लगा रखी थी तो वो इतना टाइट हो जाता है, इतना एयर टाइट बन जाता है कि ना तो उसके अंदर मिट्टी जा सकती है, इवन उसको उतारने के लिए भी हमें नया पीस ही लगाना पड़ेगा। तो इसमें देखो हम लोग कैसे लगा रहे हैं अपनी हाइपरसोनिक के, इसके अंदर हम इंस्टॉल करा रहे हैं वन ऑफ दी ब्राइटेस्ट LED जो कि अभी आप लोगों को मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, और ये आप लोग कोई सी भी मार्केट से परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप लोगों को इसको खरीदने का ऑप्शन मिल जाएगा, और बहुत डेलिकेटली कराना पड़ता है क्योंकि ठंड के मौसम में क्या होता है ये रबड़ भी टाइट रहता है, तो इसके से थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम आपको आ सकती है, आप देख सकते हो, ठीक है, तो ये यहाँ से निकल जाएगा। कई सारे लोग कहते हैं ना भैया रबड़ हटा दो डैम्पिंग लगा दो, तो डैम्पिंग से ज़्यादा अच्छी चीज़ यही है क्योंकि ये जुगाड़ पूरा का पूरा ओके रिपोर्ट बन जाता है। देयर यू गो, और ये सीधे प्लग एंड प्ले है भाई, ठीक है, और इस बारी मैंने क्या किया है, मैंने डिपर और अपर भी जो है इनेबल कराया, LED के साथ में शटर की दिक्कत आती है, लेकिन अगर आपने ऊपर LED सेटअप लगा रखा है और नीचे आपका प्रोजेक्टर लगा है तो इसके साथ में आपकी कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगी, ठीक है, और आप देख लो ये कैप भी पूरी परफेक्ट तरीके से हम लोग कवर कर रहे हैं जिससे ये बात के लिए भी हमारा सेट रहे। सो गाइस, एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, इसमें आप लोग देख रहे होंगे एक वाइट कलर की ये वायर आ रही है, इसमें भी हम टाई बेल्ट और इसको पूरा परफेक्ट तरीके से कवर करेंगे। ये बेसिकली आप लोगों का अपर डिपर वर्किंग करने के लिए होता है, डिपर बेसिकली वर्किंग करने के लिए होता है फॉग लैम्प के साथ में, और अभी अगर आप देखोगे भाई इस पर टेप मार रहे हैं, और ये चीज़ आप लोगों को इनेबल करानी है तो आपकी चॉइस है, मैंने पहले नहीं कराई थी, अब मेरा मन है तो मैं अब करा रहा हूँ, आप करवाना चाहो तो करवा सकते हो, ना करवाना चाहो तो आपकी मर्जी है। अब आप लोगों को मैं फिटिंग दिखा देता हूँ, यहाँ पर बिल्कुल स्नग फिट जो है यहाँ पर चीज़ कर दी है। अब मैंने जो ये बम्पर लगाया हुआ है इसके अंदर फॉग लैम्प जो है वो एक्सपोज रहता है, जिसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो यही है कि इसमें मिट्टी विट्टी जो है वो लगती है, तो भाई ये तो है ही ड्रॉबैक, लेकिन अपना जो पूरा सेटअप है वो आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, और इसमें जितना भी टाई बेल्ट लगा के जितनी भी चीज़ें पूरी चीज़ें थी वो मैंने स्नग फिट करवा दी है, वो हमारा ओरिजिनल कपलर है वहाँ पर आपको दिख रहा होगा। डिपर की वायर जो है वो पूरी की पूरी यहीं से आ रही है, उसको भी हम लोगों ने हिडन करा दिया है, और अभी जो है ये आप लोगों के सामने जो है फॉक्स का रिस्पॉन्स है, और इसमें हमने HID लगाई है, सेम चीज़ आप लोगों को इधर भी देखने को मिलेगी, बिल्कुल स्नग फिट, कोई वायरिंग कहीं से आउट नहीं, और अब बारी आती है इसके आउटपुट की। सो गाइज, आउटपुट का जो है टाइम आ चुका है, प्रिंस भैया मेरे साथ ही है, ठीक है, अब आप लोगों को सबसे पहले मज़ा देता हूँ अपनी HID का,
आपको जेन्युइन मजा आ जाएगा। ये देखो अभी ये गर्म हो रही है तो ये ऑन हो रही है और इसका जो कलर वाला मिक्सर है वो 5500-6000 है। हल्की सी गाड़ी मेरी नीचे की तरफ में झुक के खड़ी हुई है, ये बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। आदिल भाई वहां स्कूटी में है, वो क्रॉस चेक कर रहे हैं हर चीज को। ये तो रिस्पॉन्स हो गया केवल हमारे फॉक्स का लो बीम। ये मेरी हेडलाइट ऑन हुई LED, असर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, ये आप लोगों का फर्क है। फॉग लैम्प इसके साथ में ऑन है, जैसे ही मैं हाई बीम करूंगा आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। देयर यू गो, आपको फर्क देखने को मिल रहा होगा। अब यहां पर अगर मैं गाड़ी बैक करता हूं, ठीक है, मैं आप लोगों को और पीछे की तरफ लेके जा रहा हूं और रिस्पॉन्स जो है वो आप लोगों के सामने है, ठीक है। और मैं पीछे इसलिए लेके जा रहा हूं कि आप लोगों को बीम चेक करा सकूं कि कितनी क्लीन बीम जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है। देयर यू गो। यहां से अगर आप लोग लाइटिंग सेटअप के बारे में बात करते हो, व्हाट एन अमेजिंग, जो लोग एलईडी हेडलैम्प्स अपग्रेड करते हैं ना भाई, मतलब वो वाले जो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होते हैं, तो भैया उनसे तो करोड़ों गुना अच्छा हो गया मेरी गौर से तो भाई। बिल्कुल भैया, गाड़ी में आप खुद देख सकते हो कि कितना बड़ा मेजर फर्क है, आप जो आप पहले चला रहे थे वो जो आप चला रहे हो आप भाई। ये देखो तो मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ, बंद हो गया। कमाल की चीज ये है कि हमने डिपर के साथ में केवल हेडलैम्प रखे है, मतलब अगर पूरी गाड़ी बंद है, क्योंकि HID में जो है ज्यादा जोर पड़ता है, वो चीज हम चाहते ही नहीं है कि वो जले। तो ये है डिपर का रिस्पॉन्स आप लोगों के लिए। देयर यू गो। अभी मैं रोड पे भी जाऊंगा तब आप लोगों को वो भी चीज का रिस्पॉन्स दिखाऊंगा। ये पूरा हमारा सेटअप है, गर्म होने में 1 मिनट लगता है, 55 सेकंड नॉर्मली लगते हैं। अभी ये गर्म हो रहा है सेटअप, ठीक है, और अब हम चलते हैं थोड़ी सी एक छोटी सी ड्राइव के लिए और फिर मैं आपको चेक कराता हूँ। आप लोगों के सामने है अभी ट्रैफिक में चल रहे हैं, आप लोगों को रिस्पॉन्स दिखाना है। हेडलैम्प सब कुछ बंद है, LED और फॉग लैम्प दोनों एक साथ ऑन हुए हैं। अभी ऊपर की LED तो आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स देगी, नीचे की फॉग लैम्प जो है थोड़ा टाइम लेती है ऑन होने में, करीबन 55 सेकंड का टाइम लेती है। आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को दो कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि ऊपर प्योर हम लोगों ने 6000 लगाया हुआ, नीचे 5500 लगा हुआ है, तो हल्का फुल्का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अगर इधर से आप लोग लेफ्ट लेते हो तो अब आप लोग रिस्पॉन्स चेक करना। देखो भाई ये गली है, ठीक है, और ये आपका लो बीम का रिस्पॉन्स है, ये आपका हाई बीम का रिस्पॉन्स है। तो भाई फॉर श्योर आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। हाई बीम में तो भाई उजाला हो जा रहा है, वो देखो हाई बीम में उजाला है पूरा। तो आगे से आने वालों को परेशान नहीं करना है, अच्छा रिस्पॉन्स देना है, तो यही चीज है। और कॉन्फिडेंस आएगा हाईवे में चलाने के लिए। नीचे अगर आप लोग चाहो तो 4300 केल्विन भी लगा सकते हो, ऊपर भी चाहो तो LED में भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो अब आप लोग डिपर का जो पूरा रिस्पॉन्स है वो आप लोग इसमें चेक कर पाओगे, ठीक है। कैसा लगा जरूर बताना। ओके गाइस, तो आप लोगों को मैं थोड़ा सेटअप यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो लाइटिंग का रिस्पॉन्स तो वो आपके सामने ही है, कैसा आ रहा है आप लोगों को। फॉग लैम्प भी यहाँ पर ऑन है, दोनों का जो कलर टेम्परेचर है वो डिफरेंट है, नीचे HID है ऊपर LED है। और यहाँ पर आप लोगों को जो है डिपर का रिस्पॉन्स भी देखने को मिल रहा होगा, कितना फाइन है जरूर बताना मेरे को कॉमेंट सेक्शन में। और अगर आप सामने से देखते हो, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। और रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना, किसी को तंग मत करना रोड में, लेकिन ऐसा कुछ जो है रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है। ओके गाइस, तो आई होप कि आप लोगों को जो है आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और जितना भी आप लोगों ने आज सेटअप की वर्किंग देखी है, इवन ये प्रोडक्ट जो है ये हाइपरसोनिक क्लब का है, आप लोगों को ऑफिशियली ये हर डीलर के पास, हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास, हर बंदे के पास अवेलेबल है। करौलबाग में लगवाना चाहो तो करौलबाग में आपको मैं रिकमेंड करूँगा दो ही स्टोर, एक हमारे प्रिंस भैया का स्टोर जो कि हाइपरसोनिक का है, दूसरा हमारे भरत भैया का स्टोर। यहाँ पर आप लोगों को स्नग फिट और हमारी अश्योरिटी मिलेगी, बाकी कहीं और से लगाते हो मेरी कोई अश्योरिटी नहीं। इंडिया आप लगाते हो कोई भी प्रोडक्ट हमारा, तो प्लीज़ गो थ्रू ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स, ब्रांड स्टोर्स, हमारे 8 स्टोर्स हैं पैन इंडिया के अंदर में, और हमारे ऑथराइज डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का पूरा नेटवर्क है, तो प्लीज़ ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर ऑथराइज डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है भाई, आई होप वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम मुसाफिर तगैरा, फेसबुक मुसाफिर कार्स। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय।